नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के। जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को मासिक संभागीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संभाग के सभी जिलों के एसपी शामिल हुए। आईजी भगवत सिंह चौहान ने बीते दिनों हुए अपराधों की समीक्षा की और गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। वही बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली गई है। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों के वैक्सीनेशन अभियान की भी समीक्षा की गई है। वहीं आईजी भागवत सिंह चौहान ने बताया कि अपराधों की समीक्षा करने के साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हमारे पुलिस जोन जबलपुर के पुलिस अधीक्षकों की बैठक आज यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें प्रतिभा अपराधों की समीक्षा की जाती है। आज हमारे यहाँ जो मुख्य बिंदु हैं वो पेंडिंग गंभीर अपराध शिकायत, जो अज्ञात डेड बॉडी के मर्ग और जो गंभीर अपराध पिछले दिनों में हुए हैं, जिनमें अज्ञात हैं या ज्ञात हैं आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी समीक्षा, सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की समीक्षा और जो पिछले कई वर्षों से फरार हमारे वारंटी संबंध जिनके पेंडिंग हैं, जो फरारी बदमाश हैं, उनके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं गिरफ्तारी के, उन सब चीज़ों की समीक्षा है। और मुख्य रूप से अभी हमारे यहाँ शराब का अभियान करीब एक महीने का चल रहा है, उसकी डेली समीक्षा की जा रही है। और अभी 15 तारीख से अभी तक जो कार्रवाई हुई है 10 दिनों में, उसकी समीक्षा है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक हमने परिवार, जो पुलिस परिवार के लोग हैं, उसमें वैक्सीनेशन का एक अभियान हमने चला रखा है। हमारे थाना प्रभारी प्रत्येक कर्मचारियों के जो परिवारजन हैं उनको बुलाकर, और अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर हमारे पुलिस लाइन में या थाने के पास हैं, उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं। कम से कम अभी हमारे यहाँ 60% से ऊपर परिवारजनों का वैक्सीनेशन, जो 18+ से ऊपर हैं, उनका हो चुका है। और हमारा टारगेट है कि हम इसको 100% करेंगे और विद इन 7-8 डेज में ये हमारा अभियान पूरा हो जाएगा, जिससे आगामी कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पुलिसकर्मी का पूर्व में ही हम लोग 100% वैक्सीनेशन कर चुके हैं, दोनों वैक्सीन लग चुकी है। अब हमारा टारगेट उनके परिवार का है और वो सक्षम चल रहा है। हमारे पुलिस अधीक्षक लोग डेली उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस अभियान की भी यहाँ हमने बारीकी से चर्चा की है और समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की जो स्थिति आगे संभावित है, उन पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुल मिला के ये मासिक हमारी समीक्षा है, जिसकी बैठक यहाँ जारी है। थैंक यू। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।